दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सैम टेक्निकल पर। दोस्तों आज आपके लिए एक और लोन की अप्लाई कर आ चुका हूं, लाइव पेमेंट प्रूफ के साथ दिखलाऊंगा किस तरीके से आपको कितना लोन मिलेगा, क्या क्या स्टेप आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। मेरे भाई वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे तभी आपको पता चलेगा, आधी वीडियो देख के आप लोग कमेंट करेंगे तो वो सही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ जानकारी आपको लेनी ज़रूरी है। इस ऐप के अंदर आपको लोन ईजिली तरीके से मिलेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो यहाँ पर चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को और जानते हैं उस ऐप के बारे में। बाकी जो हमारे भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। दोस्तों सबसे पहले आपको इस ऐप को मोबाइल नंबर से डाउनलोड कर लेनी, मोबाइल नंबर से साइनअप कर लेनी है और उसके बाद यहाँ पर आप आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐप के अंदर मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर आपको कुछ बेसिक सी जानकारी समझनी पड़ेगी सबसे पहले, उसके बाद आप जाके आगे प्रोसेस कम्प्लीट करेंगे तो बेहतर है। यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको देख सकते हैं लोन का अप्लाई का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप लोन कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर सकते हैं और यहाँ पर आप पेमेंट स्कोर भी आप यूज देख सकते हैं किस तरीके से आपका कितना स्कोर चल रहा है। सबसे पहले मैं लोन वाले ऑप्शन पर आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आपको फ़िलहाल में यहाँ पर वी आर वेटिंग फॉर योर डॉक्यूमेंट्स, प्लीज़ अपलोड देम फॉर डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर अभी हमारा जो अप्रूवल लिमिट ज़ीरो है, तो यहाँ पर हमें जो यहाँ पर हमें सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो मेरे भाई यहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको देनी है अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो भी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अपना नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर अपना जेंडर वगैरह डाल देना है। उसके बाद सेकंड जो स्टेप है उसके अंदर यहाँ पर आपको अपनी पेंडिंग वेरिफिकेशन दिखला रहा है यहाँ पर आप लोगों को, यहाँ पर आपको क्या क्या डालना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको कितना टाइम हो चुका है वर्क करते हुए, यहाँ पर आपको ऑफिस एड्रेस डालना है, पिन कोड डालना है, यहाँ पर आपको डालना है जी आपको कितनी सैलरी मंथली मिलती है। ऑफिशियल ईमेल आईडी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इसको अपडेट कर देना है, सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑफिस ईमेल के बजाय ऑफिस एक्सटेंड कर दीजिए, यहाँ पर आपको सिंपल यहाँ पर आप नंबर वगैरह डाल दीजिए तो उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर इस तरीके से करके आपके दो स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद बैंक डिटेल पर आते हैं, तो यहाँ पर मेरे भाई आप लोगों को बैंक डिटेल सबमिट करनी है, बैंक का नाम डालना है, ब्रांच का नाम डालना, अकाउंट नंबर, रीअकाउंट नंबर और IFSC कोड डाल के यहाँ पर आपको सबमिट करना है। KYC की बात आती है, मेन पॉइंट आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना पैन कार्ड डालना है, पैन कार्ड डालने के बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन और रेफरेंस में आपको दो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आपको दे देने हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। यहाँ पर जिन भाई ने हमें कहा था कि भैया इस ऐप के बारे में रिव्यू करो, यहाँ पर मैं आपको सिंपल बतलाता हूँ, उन्होंने कहा था यार इसके अंदर इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं कहाँ से लाएंगे। देखिए आपको इतने डॉक्यूमेंट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास आधार कार्ड है आधार कार्ड डाल दीजिए, अगर आपके पास यहाँ पर आधार कार्ड के बाद यहाँ पर आप इमेज डाल दीजिए जी, एड्रेस प्रूफ के, एड्रेस प्रूफ में आप क्या डाल सकते हैं, यहाँ पर आप अपना जो है यहाँ पर आप जो है यहाँ पर एड्रेस प्रूफ में अपना जो है वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं, क्योंकि आप इसके अंदर आधार नहीं डाल सकते क्योंकि आधार कार्ड आप पहले ही अपलोड कर चुके हैं। यहाँ पर चाहे तो आप पासपोर्ट डाल सकते हैं। और यहाँ पर नीचे आते हैं तो भैया यहाँ पर PDF, यहाँ पर आपको एक अपना बैंक स्टेटमेंट की कॉपी यहाँ पर डालनी पड़ेगी। बाकी ये आपका जो सैलरी स्लिप, आप सेल्फ एम्प्लॉयड डालेंगे यहाँ पर आपको सैलरी स्लिप और यहाँ पर आपको इमेज ऑफिस कार्ड को डालने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। उसके बाद कुछ टाइम के बाद यहाँ पर आपका वेरीफाई हो जाता है और उसके बाद यहाँ पर आपको लोन कितना मिलेगा वो भी मैं आगे के प्रोसेस में बतलाता हूँ। यहाँ पर आप जो है वापस आता हूँ मैं, यहाँ पर आप यहाँ पर अपना जो एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कितनी मंथली सैलरी मिलती है, एज कितनी है आपकी, और यहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल डालने के बाद कैलकुलेट कर सकते हैं आपको उसी हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पर आप इस तरीके से अपनी क्रेडिट लिमिट चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखलाता हूँ मुझे कितना लोन मिला और कितने तलक का यहाँ पर आप मैंने जो जो डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं वो सारी की सारी आपको डिटेल बतलाता हूँ मैं। चलिए लाइव प्रूफ के पास चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपने अकाउंट में आ चुका हूँ, यहाँ पर मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं और मुझे लोन की एलिजिबिलिटी कितनी मिली है। देखिए यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में कितनी मिलती है वो आपके सिविल के ऊपर भी डिपेंड करता है। यहाँ पर आता हूँ मैं डॉक्यूमेंट्स पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 77% मेरे कंप्लीट है और यहाँ पर मेरा जो भैया पैन कार्ड वेरीफाई है, आधार कार्ड वेरीफाई है और यहाँ पर मेरी जो एड्रेस प्रूफ भी वेरीफाई है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्या क्या नहीं डाला, यहाँ पर मैंने अपना ऑफिस आईडी कार्ड नहीं डाला है, इमेज मैंने नहीं डाली है सैलरी स्लिप की क्योंकि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ,
तो भैया मेरे पास कोई सैलरी स्लिप नहीं है। ठीक है, लोन पर आता हूँ तो मैं यहाँ पर मुझे अप्रूवल जो मिला है वो मिला है जी 500 रुपये का। स्टार्टिंग में आपको 500 रुपये तक की लिमिट मिलती है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर उसके बाद जैसे आपको लिमिट मिल जाती है, आपको ही साइन इन करना होता है, वो सारी डिटेल आपको देनी पड़ती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर कोई भी ऐप जो आपको बहुत ज़्यादा लोन अमाउंट दे रही है, आज नहीं आने वाले टाइम में भी जो आपको लोन ज़्यादा अमाउंट दे रही है मान के चलिए, तो वो मैं मानता हूँ अगर आपको उससे 500 या 700 में मिलते हैं ना, तो आपको वो भी लेना चाहिए उससे, अगर आपको आगे ज़्यादा उस ऐप से लेने हैं। क्योंकि ये जो कुछ ऐप्स होती हैं जो आपको आगे जाके बड़ा अमाउंट प्रोवाइड करती हैं, और आपका जैसे जैसे आप छोटा अमाउंट पे करते जाते हैं, आपको आपके लिमिट के हिसाब से आपकी हर मंथ आपकी इंक्रीज़ होती रहती है लिमिट। तो अगर आपको 500 रुपये भी इस ऐप से मिल रहा है, तो मेरे भाई आप बिल्कुल भी देर ना करें, आप इजीली तरीके से लें इस ऐप से, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने अपने जो मेरे वेरीफाई हुए हैं डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बैंक की स्टेटमेंट दे रखी है, आधार कार्ड, यहाँ पर मैंने अपना वोटर आईडी कार्ड लगा रखा था, पैन कार्ड है, और यहाँ पर मेरा आधार कार्ड लगा हुआ है। सिर्फ ये मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ये खाली है, यानी कि अपलोड नहीं कर रखे हैं मैंने, ना तो मैंने अपलोड कर रखी है सैलरी स्लिप, ना ही मैंने अपलोड कर रखा है जी ऑफिस आईडी कार्ड। ठीक है, तो इनमें से मैंने कुछ नहीं अपलोड कर रखा है, यहाँ पर मैंने सिंपल सा सिस्टम कर रखा है, मैंने सिर्फ जो अपलोड करना था जो मेरे पास था मैंने वो अपलोड किया, मुझे उसके हिसाब से मुझे सिर्फ अप्रूवल मिला 500 रुपये का। लेकिन कोई बात नहीं है, अगर इस ऐप से आपको 500 रुपये तक का भी लोन अप्रूवल मिलता है तो आप वो भी लीजिए, टाइम टू टाइम पे कीजिए। उसके बाद आपका इसके अंदर 1 लाख से भी ज़्यादा का इसके अंदर आपका सिर्फ इन्हीं डॉक्यूमेंट्स पर लोन मिलेगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, क्योंकि ये ऐप काफ़ी टाइम से वर्क कर रही है और बढ़िया वर्क कर रही है। चलिए अब ऐप के बारे में जान लेते हैं, सारा डिटेल मैंने आपको बतला दिया, लाइव प्रूफ भी दिखला दिया है, कितना आपको स्टार्टिंग में मिलता है मेरा भाई 500 रुपये तक का आपको मिलेगा स्टार्टिंग में, 500 से ऊपर आप चाहे 2000 का मिल जाए चाहे 10000 का मिल जाए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा लोन चल रहा हो इसलिए मेरा हो सकता है इन्होंने कम अप्रूवल करा हो। तो चलिए मैं अब ऐप के बारे में भी आपको बतला, तो भाई ऐप का नाम है पेमी इंडिया ऐप, प्ले स्टोर पर जाएंगे आपको वहाँ पे से ये इजीली तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, पेमी इंडिया डाल के, और यहाँ पर आपको लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए जी आज की वीडियो में।